फाइनली विवर्स भाई, हमें इंतज़ार करते करते तकरीबन 2 घंटे हो गए थे, ठीक है, और फाइनली हमारा सरप्राइज आ गया, ठीक है। इसमें एक सरप्राइज है सबके लिए, ठीक है। तो सरप्राइज क्या है अभी आपको दिखाता हूँ, इधर आए। 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वजनतुल हलाल व रज़कुल हराम। क्या हाल है भाई? ठीक हैं, खुश हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। लेकिन व्यूअर्स भाई, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे, अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। लेकिन भाई, मैं ना तकरीबन 3 दिन हो गए हैं भाई, मुझे बहुत बहुत सख्त बुखार था, और अभी भी आप यकीन माने भाई, मुझे ना तकरीबन 101 बुखार है अभी भी, ठीक है। तो मैंने कहा भाई, आज तो अपने व्यूअर्स के साथ भाई व्लॉग शेयर करना है, ठीक है, करना है, करना है, करना है, क्योंकि व्यूअर्स मुझे मिस कर रहे ही होंगे और मैं व्यूअर्स को मिस कर रहा हूँ, ठीक है। और भाई, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे हैं और भाई इतनी अच्छी अच्छी दवाएँ देते हैं आप, ठीक है, दिल ही खुशी होती है आप सबके कमेंट्स रीड करके। बल्कि व्लॉग में नहीं, हम अक्सर बात कर रहे होते हैं घर में, ठीक है, माँ जी में, कि भाई फैमिली की तरह हैं आप सब, ठीक है, इतनी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, दुआएँ देते हैं, भाई अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हंसता हुआ रखे और मुस्कुराता हुआ रखे, ठीक है व्यूअर्स। तो बाकी व्यूअर्स ये देखें भाई, ये हमारा आजकल बना हुआ है बेडरूम, ठीक है, एक ये मैट्रेस लगा हुआ है, ठीक है, एक वो देखें बेड सेट है, ठीक है। ड्राइंग रूम ना आजकल बना हुआ है बेडरूम, क्योंकि एसी की वजह से गर्मी बहुत है ना, तो इस वजह से ये हमने ड्राइंग रूम ना एक मतलब के बेडरूम के यूज़ पे तोड़ कर लिए, बेडरूम के तौर पे यूज़ कर लिया, ठीक है। दरअसल ना मेरी तबीयत ख़राब है, तो अभी भी आप देख सकते होंगे मैंने मेडिसिन खाई है, तो मुझे पसीने आ रहे हैं, तो कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाए तो भाई आप इग्नोर करना, ठीक है। और आज ना व्यूअर्स, मैं आपको भी सरप्राइज दूंगा एक, ठीक है, और बाकी घर वालों को भी सरप्राइज देंगे, ठीक है। बाकी भाई, इस टाइम जो है ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, सूरज भाई तपता हुआ सूरज है, ठीक है। तो बाकी भाई कुछ व्यूअर्स बोलेंगे कि यासिन भाई आपको नज़र लग गई है, ठीक है, और नज़र भाई पता क्या बात, कुछ ऐसे है, नज़र बरहक है, वाकई में नज़र लग जाती है, ठीक है। लेकिन भाई आप सब इतने अच्छे हैं, इतनी मतलब कि मेरे से मोहब्बत करते हैं आप सबकी, तो 100% आप सबकी मुझे नज़र नहीं लग सकती, ठीक है, मुझे पता है। और व्यूअर्स आपके कमेंट्स आएंगे, यासिन भाई कोई कोई होता है जो मतलब कि हसरत करता है, ठीक है, तो मीन्स के उनकी जो है ना नज़र वगैरह लग जाती है, तो भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन भाई मैं पता क्या बात कुछ ऐसे है, मैं भाई आप सब से इतनी मोहब्बत करता हूँ और दिली दुआ देता हूँ आप सबको, ठीक है। तो भाई आप भी अगर कोई हसरत करता है, वैसे तो मुझे लगता है भाई कोई नहीं करता, लेकिन अगर कोई करता है तो भाई ना किया करें। मैं अगर आपको दिल से दुआ देता हूँ, आप भी मुझे दिल से दुआ दिया करें, ठीक है। तो बाकी भाई जल्दी से आज का व्लॉग करते हैं शुरू, और आज भाई मज़ेदार सा सरप्राइज़ मिलेगा आप सबको भी और घर वालों को भी इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है माँ जी? ठीक हैं, ठीक ठाक, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आज भाई माँ जी आपको इंशाल्लाह मैंने देना है सरप्राइज, ठीक है, इंशाल्लाह सरप्राइज, बस एक ऐसा सरप्राइज होगा। बुखार मुझे भाई बहुत, 3 दिन से बुखार है, सब हाँ दुआ करना इसके लिए, जी जी, और इसकी बेगम के लिए दोनों, हाँ जी भाई बहुत ज्यादा हमारी, और मैं अभी बस आपको तंदुरुस्ती दे, आमीन, जिंदगी लंबी जिंदगी, और भाई माँ जी के लिए भी दुआ करना आप सब, ठीक है। और भाई आपको एक, हाँ जी, और भाई आपको एक बात बताऊँ, अभी सुबह सुबह ना कुछ देर पहले मैं मतलब के बेहोश होने वाला था, ठीक है, मेरी आंखों तो के आगे डर गई थी, हाँ एकदम आंखों में अंधेरा आ गया, बस मैं ना गिरने लगा था, बस एक कदम मैंने आगे किया और शुक्र है भाई बेड तक पहुंच गया मैं, ठीक है। तो ये भाई माँ जी यहाँ ना जो एक्स्ट्रा मतलब पत्ते ख़राब हो गए हैं ना, ठीक है, उन्हें उतार उतार के ना फेंक रही हैं, ठीक है, जैसे कि ये सही है, गुड हो गया ना माँ जी। माँ जी आज आपको इंशाल्लाह सरप्राइज दूंगा मैं, आपने बहुत सारी दुआएं करनी है मेरे बच्चों के लिए, जी जी, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, आमीन, तमाम बीमारियों परेशानियों से अल्लाह ताला ने महफूज रखे, आमीन, तो आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप सब बेटियों को अल्लाह ताला अच्छे नसीब करे, खुशियां दे, आमीन, जिसकी सासू मां बीमार है अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन, जिंदगी अता फरमाए, आमीन, और लैया से शुमाइला है अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, हां जी, सारी माशाल्लाह बहुत मेरा करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, मेरी तरफ से भी आई लव यू, क्या बात है माँ जी, क्या बात है। और बाकी व्यूअर्स भाई पता क्या बात कुछ ऐसे हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ने बोला था कि यासिन भाई नेक्स्ट ब्लॉग में ना मेरा नाम लेना, मेरा नाम लेना, तो भाई काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हैं,
भाई आप सबका दिल में है नाम, ठीक है, मुझे नाम पता है आपका, वैसे इतने ज़्यादा नाम से जाहिर सी बात है भाई भूल जाते हैं, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम भाई जी, क्या हाल है, ठीक है। तो भाई ये देखें हमारी गैस ना डेली की तरह नहीं आ रही और यहाँ बन रहे हैं मज़ेदार से गर्मा गर्म पराठे, ठीक है। तो भाई भाई जी के लिए भी दुआ करें, ठीक है, उनकी भी तबीयत नहीं ठीक तो जल्दी से वो भी सेहतयाब हो जाएं, ठीक है, एकदम से फिट हो जाएं। तो बाकी भाई जी आज ना दरअसल कुछ ऐसा है कि मेरा ना कुछ स्पेशल खाने का दिल कर रहा है। आप व्यूअर्स से कहना यासिन भाई वाइफ की, आपकी वाइफ की तबीयत नहीं ठीक, आप उनकी उनसे फरमाइश कर रहे हैं, पहले आप व्यूअर्स को बताएं, बेहतर है ना, चलें ठीक है। मैं ना यार आज क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक ना, तो मेरे मेडिसिन वगैरह खा के ना मेरे मतलब मुँह का टेस्ट ना बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ बस कुछ ना यू नो तबीयत ना ठीक हो ना, कुछ स्पाइसी खाने का दिल करता है। तो मेरा भी इस टाइम ना मतलब कि कुछ स्पाइसी खाने का दिल कर रहा है, यानी कि पुलाव हो गया, ठीक है, और पास्ता हो गया, मैक्रोनी हो गई, ठीक है। तो इस मतलब इस तरह का ना कुछ खाने का दिल कर रहा है। तो वाइफ जी बताएँ फिर, पक्का देख लें अभी, बट बाद में मुझे ये ना बोले यासिन भाई आपकी वाइफ की तबीयत ठीक है, आपने उनसे भाई इतना काम करवाया, नहीं कोई बात नहीं मैं ठीक हूं, लेकिन मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ हेल्प करूंगा, सही है, ओके पक्का, चलो भाई डन हो गया भाई, ओके क्या क्या लेके आना मुझे आप बता देना, ठीक है ठीक है, और पास्ते की सारी चीज़ें ओके, चलें भाई ये जो वाइफ जी ने बोला है तो वो भी भाई जल्दी से ला के इनको देंगे, सही है ना। हाँ जी, और मुझे याद आया हमारा राना बेटा आप जा रही हूँ उम्रे पे, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला सबके नसीब में करे, और हमारे लिए भी बहुत सारी दुआएं करनी है जाके, इन बच्चों के लिए, मेरे बेटों के लिए, अपने भाइयों के लिए, भाभी के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और बल्कि भाई हमारे जितने भी व्यूअर्स है ना, ठीक है, अल्लाह सबके नसीब में, हर किसी के नसीब में करे इंशाल्लाह, और भाई किसी का दिल तड़पता है वहाँ जाने के लिए, बिल्कुल, और भाई हमारा राना आप हमारे सब व्यूअर्स के लिए दुआ करना, ठीक है, वहाँ जाके, ठीक है, बोलना भाई जितने भी यासिन भाई के व्यूअर्स हैं ना भाई उनकी जो जो दिली दुआएं हैं, ख्वाहिशात हैं, नेक ख्वाहिशात हैं पूरी करें इंशाल्लाह, जी जी सबको नेक साले औलाद आप, आमीन सुमा आमीन। काफ़ी बेटियां हैं, इसके 16 साल हो गए हैं, किसी के 9 साल हो गए हैं, जी जी कमेंट में सबके पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला आपको बेटा इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी जल्दी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, अल्लाह ताला आपको नेक साले औलाद आप फरमाए, हमारी एक व्यूअर है रुमाना, जी जी रुमाना हसन, तो आपने अभी तक मुझे खुशखबरी नहीं दी दादो बनने की, मैंने तो आपको दे दी है, अल्लाह ताला आपको जल्दी जल्दी दादो बनाए और इंशाल्लाह मुझे खुशखबरी जल्दी जल्दी सुनाए इंशाल्लाह, आमीन आमीन, ठीक है। और आप देख रहे ही होंगे कि भाई ये देखें ये अब्बा जी की तस्वीर है, जब माशाल्लाह से मतलब कि अब्बा जी यंग होते थे ना तब की तस्वीर है, ठीक है, तो बिल्कुल भाई रईस भाई जैसे लगते हैं, ठीक है, बाल देखें माशाल्लाह से फुल मतलब पुराने हीरो लगते थे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बाकी भाई मेरे अबू जी को भी अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और इनके दर्जात बुलंद अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। सो व्यूअर्स भाई अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता वगैरह कर लिया था मैंने, ठीक है, तो नाश्ता करने के बाद भाई मैं लेने चले गया चिकन, तो चिकन लेके वापस आया हूँ तो मेरी तबीयत फिर से भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है। तो माँ जी कहते हैं तो भाई अब तो चलो भाई डॉक्टर के पास, ठीक है, मैंने मेडिसिन वैसे ली थी, ठीक है, और लेकिन मुझे ना भाई आराम नहीं आया, मतलब कि आराम आने के बजाय ना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है। तो फिलहाल भाई बात कुछ ऐसे है, सिग्नल भी बंद है तो आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिलहाल ऐसे है कि भाई आराम तो मुझे नहीं आ रहा, मैंने सरप्राइज़ देना था माजी को, अभी फ़िलहाल तो मेरा सरप्राइज़ निकल रहा है, ठीक है, लेकिन यह है कि अब भाई मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ ना वहाँ से मैं मेडिसिन लेता हूँ तो मुझे आराम आ जाता है। तो माँ जी वगैरह तो मुझे पहले ही कह रहे थे कि भाई वहाँ से मेडिसिन ले लो, दो दिन हो गए हाँ, लेकिन भाई बात कुछ ऐसे है मेरा ना दिल नहीं करता मेडिसिन खाने को ना, मुझे होता है कि बस ऐसे ही आराम आ जाए, ठीक है, मेडिसिन ना खानी पड़े, बस अब जा रहे हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह तबीयत जो है ना मेडिसिन वगैरह लेंगे तो बेहतर हो जाएगी तबीयत इंशाल्लाह, सही है। हाँ जी, आप सब ने बहुत दुआएं करनी है इन दोनों बेटों के लिए, अल्लाह ताला ने सेहत लंबी जिंदगी दे, इन्हें कुछ हो जाए तो मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है, और ना अम्मा जी ना, मेरी टांगों में से जान पहले ही खत्म हो जाती है, और ये मेरे बेटे ही नहीं है, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं, इनसे कभी कभी मैं नाराज भी हो जाती हूँ, कट्टी शट्टी कर लेती हूँ मैं कभी कभी, फिर ये मुझे लेके जाते हैं बाहर, बड़ा वाला तो कहता चलो सूट ले लो, और कभी भी मॉल वाली साइड पे ले जाते हैं, और हमारी दोस्ती भी है, फ्रेंड भी है मेरे, और बेटे भी हैं, अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती दे, हर
बद बला वो बा बीमारी छोटी बड़ी परेशानी से अल्लाह ताला इन्हें महफूज रखे। आप सब ने भी बहुत सारी दुआएं करनी है और मैं बहुत परेशान हूँ इनकी वजह से। अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, कुछ ना हो। भाई हम पहुंच गए हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से जाके ना मेडिसिन लेते हैं, इन्होंने पक्का भाई इंजेक्शन लगाना है। देखें भाई पेंटिंग कितनी प्यारी है माशाल्लाह। और ये देखें हमारे कायदे आज़म जिंदाबाद। भाई मेडिसिन ले ली है और इंजेक्शन भी लगवा लिया, बस बाकी आप दुआ करना भाई जल्दी से मैं सेहतयाब हो जाऊँ। भाई अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं घर आ गया हूँ, ठीक है। तो ये देखें कौन आया है, ये आया है अरहम, ठीक है। और अरहम की मामा आई हैं जो कि भाई रिदा की आपी हैं, तो रिदा का पता लेने के लिए आई हैं, ठीक है। तो साथ ये देखें अरहम भी आया है और ये देखें मुस्तफ़ा भी आया है, ठीक है। अभी अरहम सॉन्ग सुनाएगा, ठीक है। चलो भाई चलो पहले सॉन्ग। वाह 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 भाई देखें क्या बात है भाई, जबरदस्त, गुड गुड। रॉबर्ट भाई तबीयत मेरी कुछ बेहतर हुई है, ठीक है। तो मैं भागे गया और भाई ये कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसमें एक बहुत मज़े की चीज़ है, अभी आपको जाकर दिखाता हूँ। ये भाई वाइफ जी मेरा माइंड चेंज हो गया, ठीक है। ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी सो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अब बिरयानी बनेगी, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें मैं ले आया हूँ की जगह बिरयानी बनानी है। हाँ जी ठीक है, सब चीज़ें मैं ले आया हूँ। हाँ जी आलू और इसके अलावा भाई ये मैं ना ये पास्ते की चीज़ें और लीमू लेके हूँ भाई, ठीक है। हाँ जी और इसके अलावा ये देखें क्या मज़े की चीज़ लेके मैं ये और ये देखें व्यूअर ने कहा ना कैसे भाई आपकी तबीयत नहीं ठीक और आप ये ऐसी चीज़ें खा रहे हैं। जब तबीयत ना सही हो तब इस तरह की चीज़ों पे और दिल करता है। हाँ उस आज ये पापड़ी है, दही है, ओए होए 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 मज़ा आ गया। सही है ना? हाँ गुड हो गया, गुड हो गया। बस भाई अब मैं जा रहा हूँ सरप्राइज़ लेने के लिए, ठीक है। तो आपको भी साथ लेके चलता हूँ, आपको भी जाके बताता हूँ भाई सरप्राइज़ है क्या, ठीक है। तो चलें फिर चलते हैं, सही है। माँ जी किधर आप किधर जा रही हैं? माँ जी मैं जा रहा हूँ आपके लिए सरप्राइज लेने के लिए, मैंने आपको बताया था सुबह के सरप्राइज को लेने। आपको कैसे पता है सरप्राइज? पता है मुझे, वो बीबर को दिखाएंगे बाद में, मुझे पता है। नहीं आपको मैं तो कैसे पता है? पता है मुझे, मैं बाद में बता दूंगी। तो आप रेडी हो गए आप मेरे साथ जाने के लिए? चलो ठीक है भाई, मैंने कहा मैं भी रेडी हो जाती। लेकिन आपके लिए तो मैंने घर में सरप्राइज लेके आना है, तो मैंने आपको उधर ही सरप्राइज दे देना। अच्छा चले भाई चलते हैं, चले बिस्मिल्लाह। रॉबर्ट भाई मैं तो घर से निकल आया हूँ माँ जी को लेके, लेकिन मैं माँ जी से पूछ रहा हूँ कि माँ जी क्या जहाँ मैं जा रहा हूँ सरप्राइज लेने के लिए आप भी वहाँ जा रही हैं, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए ना कि भाई माँ जी को वाकई में वो मतलब पता है बात। माँ जी किधर जा रही हैं सरप्राइज लेने के लिए आप? जिधर आप जा रहे हैं। नहीं कौन सी जगह आप बताएं ना मुझे, ये तो फिर मैं बता दूंगा। रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। हाँ रेलवे स्टेशन, मैंने भी रेलवे स्टेशन ही जाना है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे पता लग गया, माँ जी को पता लग गया कि क्या लेने जाना है हमने सरप्राइज लेने जाना। हाँ जी बेशक नाम बताओ। हाँ जी लेकिन मुझे पता चल गया, पता चल गया माँ जी को पता चल गया भाई, ये तो मुझे भी अब कंफर्म हो गया है कि माँ जी को ना पता चल गया। ये कैसे पता चला ये मैं बाद में बताऊँ। चले सही है, तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह रेलवे स्टेशन जाके, सही है। चले भाई व्यूअर्स हम पहुँच चुके हैं सियालकोट के रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। तो भाई ये सियालकोट का रेलवे स्टेशन है, तो काफ़ी देरी हो गई है भाई, ये काफ़ी अरसा ही हो गया ये ऐसे का ऐसे ही है, ठीक है। इसमें कोई इन्होंने ना तब्दीली नहीं की, कोई चेंजिंग नहीं की, लेकिन ये है कि भाई काफ़ी ज़्यादा स्टेशन ऐसे भी हैं कि मतलब नारोवाल का स्टेशन, रायवंड का स्टेशन, रेलवे स्टेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन हमारा सियालकोट का जो रेलवे स्टेशन है ना भाई, काफ़ी देर ही हो गया है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, ठीक है। तो बाकी अब चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और जाके आपको साथ दिखाते हैं, सही है। ये प्लेटफार्म है, यहाँ से प्लेटफार्म लेते हैं, ठीक है। लेकिन भाई प्लेटफार्म अभी तो बंद है, तो ऐसे ही अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो भाई ये है सियालकोट का रेलवे स्टेशन, तो ये देखें भाई चेक करें है, तो भाई हमारे सियालकोट का है इसलिए हमें भाई बहुत खूबसूरत लगता है और है भी खूबसूरत ही है माशाल्लाह, ये देखें। तो
हम तो भाई सबसे पहले आके बैठ गए हैं, हम यहाँ आ गए हैं ठीक है रेलवे स्टेशन के अंदर। तो अब यहाँ बैठते हैं तो ट्रेन का वेट करते हैं, ट्रेन कब आएगी ठीक है। क्यों माजी सही है, तो फिर सरप्राइज देते हैं आपको। और बाकी माजी को तो पता चल गया, लेकिन बाकी जो घर में हैं उनको नहीं पता ठीक है। उनको तो सरप्राइज़ मिलेगा ना इंशाल्लाह, क्योंकि माजी को तो भाई माजी ने सरप्राइज़ का ना वो क्या कहते हैं प्रोग्राम जो है ना वार दिया ठीक है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अब जो घर में हैं उनको सरप्राइज़ मिलेगा सही है। चले भाई गुड हो गया। सो व्यूअर्स भाई ये फ़ैन तो लगे हुए हैं ठीक है, लेकिन बस लगे ही हुए हैं ठीक है, और इनका काम कुछ भी नहीं है ठीक है, जस्ट ये लगे हैं देख रहे हैं हाँ। Two hours later. So finally viewers भाई हमें इंतज़ार करते करते तकरीबन दो घंटे हो गए थे ठीक है, और फाइनली हमारा सरप्राइज आ गया ठीक है। अभी आपको भी दिखाते हैं कि सरप्राइज क्या है ठीक है, और फिर जाकर भी भाई सरप्राइज जो है ना शेयर करेंगे सही है भाई। ये है हमारा अस्सलाम वालेकुम। क्या है ठीक हो और हसन? तो भाई ये देखें ये है हमारा सरप्राइज जो मैं आपको बता रहा था। तो भाई मेरा भांजा आया है कराची से ठीक है, वेलकम टू किया आपको ठीक है। तो चलते हैं भाई, भाई इलाहाबाद ट्रेन में तो ऐसे ही होता है भाई। यहाँ ना अभी अभी हमारी व्यूअर भी मिल गई थी हमें ठीक है, और भाई ये सरप्राइज भी आ गया ठीक है। तो पता चल गया था। हाँ माँ जी को पता चल गया था सरप्राइज क्या है। स्टेटस लगा दिया था भाई, स्टेटस लगा दिया था सने, और माँ जी हाँ माँ जी को हाइड करना भूल गया, लेकिन बाकी सबको जाके सरप्राइज देते हैं सही है। चलो फाइनली व्यूअर्स भाई हमने अपने भांजे को ले लिया ठीक है। हसन आया कराची से लाइफस्टाइल विद नूरीन का आपको पता ही होगा। तो भाई उनका बेटा आया है ठीक है, तो घर जाके सरप्राइज देंगे अब। और हमारी व्यूअर भी मुझे मिली थी यहाँ, माँ जी को मिली थी, माँ जी को पहचान लिया था उन्होंने, पहचान लिया था वो, कह रही थी अपनी फैमिली की तरह, कह रही मुझे लग रहा है आप देखी 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 लग रही है। तो उनके माँ जी कह रहे थे, वो कह रहे नहीं माँ जी है ठीक है। तो भाई ये आप सबकी मोहब्बत है ठीक है, और आप सबका प्यार है जो इतने अच्छे से मिलते हैं और इतनी मतलब के रिस्पेक्ट देते हैं माँ जी को ठीक है। तो ये आपका भाई, अगर आप व्लॉग देख रही हैं, मुझे पता है आप व्लॉग देख रही हैं, तो ज़रूर कमेंट करना इसमें। तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हसन को भी देख के कहते हैं हसन आया है, हसन आया है हाँ। तो देखती है नूरीन के व्लॉग जी सही है। अब चलते हैं घर, घर जाके आपको मिलते हैं, क्योंकि थकावट जो है ना भाई बहुत ज़्यादा हो गई है। फाइनली वर्ड्स भाई हम घर पहुंच गए हैं ठीक है, तो अब सबको देते हैं सरप्राइज। हसन अभी आप गाड़ी में रहना ठीक है, जब मैं बोलूंगा ना 1 2 3 तब आप निकलना। इधर आए भाई, इधर एक सरप्राइज है, इसमें एक सरप्राइज है सबके लिए ठीक है। तो सरप्राइज क्या है अभी आपको दिखाता हूँ, इधर आए 1 2 3 सरप्राइज। भाई यहाँ मज़ेदार सा खाना हमारा लग गया ठीक है। तो यहाँ आ गई भाई मज़ेदार सी बिरयानी, जो कि हसन की फरमाइश पे बनी है, क्योंकि हसन को बिरयानी जो है ना बहुत पसंद है, और मुझे भी बिरयानी भाई बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ सैलड है, और ये भाई मैकरोनी है, और साथ ये है मटन कौरमा ठीक है। तो बस अब जल्दी से भाई खाना खाते हैं सही है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह से हमने खाना वगैरह खा लिया ठीक है, और भाई मेरा भांजा आया कराची से, तो कैसा गुजरा सफ़र आपका? अच्छा गुजरा ठीक है। तो भाई बाकी भाई आज का व्लॉग यहाँ ही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपके किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।